इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको लेंज लॉ अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। और इस टाइप के क्वेश्चंस में वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट या वी आर आस्क्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल या इन अ लूप। का मतलब सिचुएशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, और आपको उस कॉइल का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है या व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू फॉलो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। एक बार आपको स्टेप्स समझ में आ गए तो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी होगा। ओके, अभी इसमें सिचुएशन ऐसे होगा, आई हैव ड्रॉन टू केसेस। केस वन में एक रेक्टेंगुलर लूप है, कॉइल किसी भी शेप का होगा, इट में भी रेक्टेंगुलर, इट में भी स्क्वायर, इट में भी ट्रायंगुलर या इट में भी एनी रैंडम शेप, तो कॉइल कैन बी ऑफ एनी शेप। और इस लूप को या इस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे बी एक्सटर्नल, ई एक्स टी का मतलब एक्सटर्नल, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आइदर इन द इनवर्ड डायरेक्शन शोन बाय क्रॉस, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आउटवर्ड डायरेक्शन शोन बाय डॉट। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन होंगे, आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड। जैसे फर्स्ट केस में क्रॉस है का मतलब इनवर्ड है, सेकेंड केस में डॉट है का मतलब आउटवर्ड है। तो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, और फिर कॉइल का मोशन आपको दिया होगा बिकॉज कॉइल मूव कर रहे हैं। तो कॉइल का मोशन आइदर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। जैसे फर्स्ट फिगर में रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी वी, तो मोशन इज आउटवर्ड। और सेकंड केस में ट्रायंगुलर कॉइल लिया है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनवर्ड जा रहा है, तो यहां पे मोशन इज इनवर्ड, तो मोशन इज गिवन टू यू। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो कॉइल मूव करेगा या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दोनों में से कोई एक चेंज होगा, आइदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज और कॉइल विल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कोई एक होगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो कॉइल स्टेशनरी होगा, एंड अगर कॉइल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा का मतलब यूनिफॉर्म होगा, दोनों में से एक कॉन्स्टेंट होगा दूसरा चेंज होगा। मैंने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए है इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और कॉइल मोशन में है, बट दूसरा केस भी पॉसिबल है जिसमें कॉइल स्टेशनरी होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो भी केस पॉसिबल होगा। देखो अभी इंड्यूस करंट कैसे फाइंड करना है, स्टेप वन एंड स्टेप टू। अगर स्टेप वन ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने डिनोट किया बी एक्सटर्नल और एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल बोलो या तो लूप बोलो, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एरिया कंसिडर करता है, ध्यान रखो कौन सा एरिया कॉइल का कंसिडर करना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कॉइल का पूरा एरिया नहीं देखना है बिकॉज कॉइल का जो पूरा एरिया होगा वो तो कॉन्स्टेंट ही होगा। We want to observe area of the coil which is inside the magnetic field. तो मतलब पहले केस में देखो ये वाला एरिया जो मैंने शेड किया है, सेकेंड केस में देखो ये वाला एरिया जो मैंने शेड किया है, दिस इज एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एरिया दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ दिस, तो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का एरिया
इंक्रीजेस। तो इन दैट केस अगर हमने लेंस लॉ अप्लाई किया तो इंड्यूस्ड करंट, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड या एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, एंड फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से करंट इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द चेंज, सो एज टू अपोज द चेंज, ये वाला चेंज। ये तो लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन है, ये तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेगा। देयरफोर इंड्यूस करंट शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका सिंबल होगा बी इन। यहां पे इन का मतलब इंड्यूस्ड, इन का मतलब इंड्यूस्ड। तो हमको दो मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड? एक होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमको पहले से ही दिया होगा, और दूसरा होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। रिमेंबर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पहले से दिया है डायग्राम में, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको फाइंड करना है यूजिंग लेंज लॉ, उसके लिए स्टेप है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एरिया में से कोई भी एक इंक्रीज होगा तभी क्या होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, लेंज लॉ। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया है ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे राइट हैंड रूल। तो वंस वी गेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वी अप्लाई राइट हैंड रूल फॉर द कॉइल। कॉइल का राइट हैंड रूल क्या है? कॉइल का राइट हैंड रूल में कर्ल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होगा राइट हैंड रूल फॉर द सर्क्यूलर कॉइल। इसमें कर्ल फिंगर्स करंट का डायरेक्शन एंड थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर मुझे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया है तो मतलब मुझे थंब किस तरफ पॉइंट करने का पता चल गया। तो फिर पहले थंब को पॉइंट करेंगे, फिर जहां पे कर्ल फिंगर्स पॉइंट करेंगे वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर हमको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया तो राइट हैंड रूल अप्लाई करके हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता चलेगा, और वही हमको क्वेश्चन में पूछा होगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको कैसे याद रखना है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का एरिया, कौन सा एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इनमें से अगर कोई एक इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, उसके बाद राइट हैंड रूल अप्लाई करो एंड इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करो। सेकेंड केस जो है वो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा। सेकेंड केस इसका अपोजिट होगा। तो सेकेंड केस में क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एरिया डिक्रीजेस, एग्जैक्टली अपोजिट। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का एरिया डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ इंड्यूस करंट क्या करेगा? इस डिक्रीज को अपोज करेगा। इसका मतलब इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। इसके लिए क्या होगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे दोनों अपोजिट में थे, यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पहले से दिया हुआ है तो हमको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, सेम डायरेक्शन होगा। एंड वंस वी गेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वी अप्लाई आरएच रूल। व्हाट इज आरएच रूल? राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट।
तो वीडियो को पॉज करके इन दो स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करो एंड मेमोराइज करो, कंसेप्ट को समझो वीडियो को पॉज करके, एंड देन वी कम टू दिस एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलो अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल में हमको ये दो रूल अप्लाई करना है। तो जो पहला केस है उसमें कॉइल मूव कर रहा है, और देखो कॉइल कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। अगर ये कॉइल या अगर ये लूप टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तो ये वाला जो एरिया है जो मैग्नेट फील्ड के अंदर है ये एरिया डिक्रीज करेगा, है ना। ये कॉइल अगर ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये जो कॉइल है ना ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा ना जो मैग्नेट फील्ड के अंदर है, दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहां पे एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। मतलब कौन सा केस हो गया, ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा ना, बिकॉज यहां पे एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो केस टू यहां पे हो रहा है, अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहां पे बी और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है और एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, एंड फ्लक्स डिक्रीज का मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा जिसका डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। बट अगर एरिया डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड ही होगा। तो मुझे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगा बिकॉज एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम लोग ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि थंब जाएगा इनवर्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो थंब विल गो इनवर्ड। तो थंब अगर इनवर्ड होगा तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगे, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा, क्लॉक वाइज। तो इंड्यूस करंट विल बी इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो ये होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस में ये जो लूप है वो इस तरफ मूव कर रहा है, अगर ये लूप इनवर्ड मूव करेगा तो ये वाला जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। ये कॉइल अगर इस तरफ जा रहा है तो एरिया विल इंक्रीज, ये एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो यहां पे एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीजेस का मतलब फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, का मतलब ये वाला केस हो गया, एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया इंक्रीजेस फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा, एंड अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इंक्रीजेस अपोजिट, ऐसे याद रखो, डिक्रीजेस सेम डायरेक्शन, ऐसे याद रखो। क्या बोला मैंने, इंक्रीजेस अपोजिट डायरेक्शन, डिक्रीजेस सेम डायरेक्शन, ऐसे याद रखो। तो यहां पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इन द सेम डायरेक्शन, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट है बिकॉज एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, बिकॉज यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई बी इंड्यूस्ड इज इनवर्ड, है ना, ये वाला केस हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अभी मुझे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करूंगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है का मतलब थंब विल पॉइंट इनवर्ड, बिकॉज थंब जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फिंगर्स देखो ऐसे कर्ल होंगे का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस ट्राइंगुलर कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा ये ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा।
तो ये होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे हमको इंड्यूस करंट फाइंड करना है, हम लोग ये कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। लेट अस नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। लेट अस नाउ डिस्कस एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल 6.4। अभी जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ क्वाइल और इन अ लूप, उस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है। देखो सिचुएशन क्या लिया है। वी आर गिवन फोर कॉइल्स। नंबर वन रेक्टेंगुलर कॉइल, ये केस वन हो गया। नंबर टू ट्रायंगुलर कॉइल, ये केस टू हो गया। नंबर थ्री, ये नंबर थ्री है जिसमें कॉइल ऑफ एनी शेप, दिस इज कॉइल ऑफ एनी शेप। एंड नंबर फोर अ सर्कुलर कॉइल। ओके, चार केस, रेक्टेंगुलर कॉइल, ट्रायंगुलर कॉइल, एनी शेप कॉइल एंड अ सर्कुलर कॉइल। और ये कॉइल मोशन में है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पे दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने आइडेंटिफाई कर दिया जो हमको दिया था। तो इसको हमने लेबल किया बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल का मतलब इट इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। अभी हर एक केस में कॉइल का मोशन हमको दिया है। ये जो एरो बताया है, ये एरो कॉइल का मोशन बता रहा है कि कॉइल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और हमको पूछा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच केस। तो अभी जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है उसको बस अप्लाई करना है। तो चलो फिगर वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर में ये जो कॉइल एबीसीडी है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये कॉइल इनवर्ड मूव करेगा तो उसका जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो व्हेन दिस कॉइल मूव्स इनवर्ड, एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पे एरिया इंक्रीज हो रहा है। कौन सा एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। पूरे कॉइल का एरिया नहीं, पूरे कॉइल का एरिया तो कॉन्स्टेंट है। हमको कौन सा एरिया देखना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। तो अगर ये कॉइल इस तरफ मूव करेगा तो उसका जो एरिया होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एज एरिया इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइ इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। यहां पे बी कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, तो बी विल फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन एरिया। तो एज एरिया इंक्रीजेस फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। फ्लक्स इंक्रीजेस का मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ईएमएफ एंड करंट इस फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेंगे। तो इस केस में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, आउटवर्ड। देन वी अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो थंब विल पॉइंट आउटवर्ड एंड देन कर्ल फिंगर्स विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, हेंस इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड ए बी सी डी के फॉर्म में स्पेसिफाई करना होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा, बी सी डी ए बी। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के अलग अलग लेबलिंग हो गए। एक तो ये मेथड हो गया, अगर मैं ए से शुरू करूंगा तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी ए, ये भी डायरेक्शन सेम ही होता। अगर मैं सी से स्टार्ट करूंगा तो सी डी ए बी सी,
तो डायरेक्शन का लेबलिंग आप किसी भी वे से कर सकते हो, और यहां पे डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो, नाउ लेट अस कम टू केस टू। केस टू में एक ट्रायंगुलर कॉइल है और ये कॉइल इस तरफ मूव कर रहा है, तो पहले ऑब्जर्व करो एरिया इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ये कॉइल ऐसे मूव करेगा तो उसका जो एरिया है, ये वाला एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बिकॉज यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा, बिकॉज कॉइल इज मूविंग आउटवर्ड, वो तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तो एरिया विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो यहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीजेस तो फ्लक्स में डिक्रीज, अगेन लेंज लॉ, तो फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगा, तो डिफरेंस देखा, एरिया इंक्रीजेस तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे एरिया डिक्रीजेस तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, नाउ वी हैव टू जस्ट अप्लाई राइट हैंड रूल। तो सिंस बी इज इनवर्ड का मतलब थंब विल पॉइंट इनवर्ड, तो अगर थंब इनवर्ड है तो कर्ल फिंगर्स विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो यहां पे इंड्यूस करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो यहां पे इंड्यूस करंट कैसे होगा क्लॉकवाइज। इसको अगर लेबल करना होगा एबीसी के फॉर्म में तो इसके भी डिफरेंट मेथड्स होंगे। एक मेथड क्या होगा, आप बी से शुरू करो, तो बी ए सी डी, दिस इज वन मेथड ऑफ शोइंग द डायरेक्शन। दूसरा मेथड क्या होगा, अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो इट विल बी ए सी बी ए। तीसरा मेथड क्या होगा, आप सी से स्टार्ट करो तो सी बी ए सी, इट इज वन एंड द सेम। तो डायरेक्शन लेबल करने के देयर आर वेरियस मेथड्स, और डायरेक्शन कैसे है क्लॉकवाइज। नाउ वी कम टू केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री में वी हैव कॉइल ऑफ एनी शेप, किसी रैंडम शेप का है, और ये कॉइल ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस। अगर ये कॉइल आउटवर्ड मूव कर रहा है तो उसका जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बिकॉज कॉइल इज मूविंग आउटवर्ड, तो एरिया विल डिक्रीज। तो यहां पे क्या केस हो गया, एरिया डिक्रीजेस फ्लक्स डिक्रीजेस का मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अगर इनवर्ड है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन होना चाहिए। एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में लिया तो राइट हैंड रूल अप्लाई करो, थंब विल पॉइंट इनवर्ड, फिंगर्स ऐसे क्लॉकवाइज कर्ल होंगे, तो यहां पे इंड्यूस करंट कैसे होगा क्लॉकवाइज। इसको भी लेबल कर सकते हैं, सी से शुरू करेंगे तो सी डी ए बी सी। दूसरा मेथड क्या होगा, आप बी से शुरू करो तो बी सी डी ए बी, तो यहां पे करंट कैसे है क्लॉकवाइज। केस नंबर फोर, केस नंबर फोर में एक सर्कुलर कॉइल है जो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इट इज कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मूव कर रहा है इस तरफ। अगर ये कॉइल ऐसे मूव करेगा तो उसका जो एरिया होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो तो कांस्टेंट होगा, बिकॉज कॉइल का पूरा एरिया फील्ड के अंदर ही रहेगा। देखो हमेशा यहां पे तो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होगा नहीं, बिकॉज ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, इट इज नॉट कमिंग इनसाइड द फील्ड और इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड द फील्ड, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एरिया विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर एरिया कॉन्स्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट होगा, एंड अगर फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा तो ईएमएफ कितना होगा जीरो, एंड इफ देर इज नो ईएमएफ देर इज नो इंड्यूस करंट का मतलब आई बिकम जीरो। तो अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, एंटायरली कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो उसका एरिया कॉन्स्टेंट होगा, फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा, ईएमएफ जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा। तो ये हो गया केस नंबर फोर। तो वी हैव डिस्कस ऑल द फोर केसेस ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6.4। नाउ वी डिस्कस एनसीईआरटी
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6.5। इस एग्जाम्पल का ए पार्ट और बी पार्ट सिंपल है तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आई विल डिस्कस पार्ट सी एंड पार्ट डी। ओके, तो सॉल्व एग्जाम्पल 6.5 पार्ट सी। इसमें हमको दो डायग्राम दिए हैं। फर्स्ट डायग्राम में रेक्टेंगुलर शेप लूप है और सेकंड डायग्राम में एक स्क्वायर लूप है, एक सर्कुलर लूप है। तो पहले केस में रेक्टेंगुलर लूप, सेकंड केस में सर्कुलर लूप, और ये दोनों लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहे हैं। दे आर गोइंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब दे विल मूव लाइक दिस अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं विद द यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उनका जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज पॉइंटिंग इनवर्ड, ये भी कॉन्स्टेंट दिया है। दीज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट। तो यहां पे दोनों लूप का स्पीड कॉन्स्टेंट है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है एंड बोथ आर मूविंग अवे आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन पूछा है इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस केस में कॉन्स्टेंट होगा। इन विच ऑफ दिस डायग्राम वी एक्सपेक्ट यूनिफॉर्म ईएमएफ का मतलब कॉन्स्टेंट ईएमएफ, ये हमको पता करना है। तो इसको हम लोग साइंटिफिकली या मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E is given by d phi by dt, rate of change of magnetic flux. But हम लोग सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड की, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो आई पुट phi as बी ए कॉस थीटा। नाउ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, अगर मैंने दोनों लूप को एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल। इसका मतलब बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे बी वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए थीटा एंगल बिकम जीरो, बिकॉज इट थीटा होता है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सिंस थीटा इज जीरो कॉस थीटा बिकम्स वन, तो ये कॉस थीटा वन हो गया। And therefore magnitude of EMF is d by dt of BA. But since B is constant, यहां पे B जो है ना वो constant है, तो B बाहर आ गया derivative के, तो it is B multiplied by dA by dt. What is dA by dt? dA by dt होगा rate of change of area. का मतलब दोनों का जो area change हो रहा है बाहर आने से, एरिया कौन सा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, पूरे लूप का एरिया नहीं, दिस इज एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया नेगेटिव होगा बिकॉज एरिया जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो डी ए बाई डी टी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो अगर बी कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ का मैग्नेट्यूड डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बिकॉज बी कॉन्स्टेंट है। अगर रेक्टेंगुलर लूप की बात करेंगे तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसका जो एरिया का चेंज होगा, देखो ये वाला एरिया उसके बाद ये वाला एरिया, तो यहां पे एरिया का जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्म होगा बिकॉज ऑफ इस सिमेट्री। इसका जो सिमेट्रिकल शेप है ना, तो इसका जो एरिया का चेंज होगा बिकॉज सर्टन इंस्टेंट के बाद इतना चेंज हुआ और आगे चला गया तो इतना चेंज हो गया। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यूनिफॉर्म होगा एंड अगर डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा तो फिर, अगर ये कॉन्स्टेंट होगा तो फिर ईएमएफ भी कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। तो रेक्टेंगुलर लूप में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कॉन्स्टेंट होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, इसके लिए ईएमएफ यूनिफॉर्म होगा। बट इफ यू टॉक ऑफ सर्क्यूलर लूप, इसका शेप देखो, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब सर्टन इंस्टेंट के बाद समझो लूप इतना बाहर चला गया तो उसका एरिया इतना चेंज हुआ, फिर अगले इंस्टेंट पे एरिया इतना चेंज हुआ,
नेक्स्ट इंस्टेंट पे एरिया इतना चेंज हुआ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कॉन्स्टेंट होगा नहीं, है ना। यहां पे क्या था, ये एरिया और ये वाला एरिया, उसके आगे ये वाला एरिया कॉन्स्टेंट होगा, बिकॉज यहां पे सिमेट्रिकल शेप है, जबकि ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये वाला एरिया एंड दिस एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कॉन्स्टेंट नहीं है, इसके लिए ईएमएफ भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इट विल चेंज, इट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेक्टेंगुलर लूप में ईएमएफ यूनिफॉर्म होगा, सर्कुलर लूप में बिकॉज ऑफ इट्स अनसिमेट्रिकल शेप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, देयरफॉर ईएमएफ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये पार्ट सी हो गया इस क्वेश्चन का 6.5। ओके, एग्जाम्पल 6.5 और ये है उसका पार्ट डी। डायग्राम में हमको सिचुएशन दिया है और देखो सिचुएशन क्या दिया है, एक सर्कुलर वायर लूप है, तो दिस इज सर्कुलर लूप ऑफ वायर एंड दिस सर्कुलर लूप इज कनेक्टेड टू टू मेटल प्लेट्स, प्लेट ए और प्लेट बी, एंड इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हुआ है, तो वी कैन से दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सर्कुलर लूप एंड टू बार मैग्नेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द लूप फ्रॉम बोथ द साइड विद द सेम वेलोसिटी, ये उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दोनों मैग्नेट का मोशन ऐसे टुवर्ड्स हो रहा है। तो जब ये मैग्नेट्स टुवर्ड्स द लूप मूव करेंगे तो हमको बोला है प्लेट ए और प्लेट बी जो होगा उसका पोलैरिटी प्रेडिक्ट करो, पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो इन दोनों में से विच वन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड विच वन गेट्स निगेटिवली चार्ज, ये हमको प्रेडिक्ट का मतलब फाइंड करना है। देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले दोनों मैग्नेट का मोशन टुवर्ड्स हो रहा है, बट इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मूव कर रहा है, इस मैग्नेट का साउथ पोल टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो देखो ये एक सर्कुलर कॉइल मान लो, ये कॉइल के दो साइड होंगे, अगर हम लोग इस साइड की बात करेंगे तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अगर टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स मोशन में क्या होता है लाइट पोल फॉर्मेशन होता है, तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मूव करेगा तो ये फेस भी नॉर्थ पोल नॉर्थ बिहेव करेगा, है ना, लाइट पोल नॉर्थ नॉर्थ, एंड अगर इस फेस की बात करेंगे तो यहां पे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो ये फेस भी साउथ बिहेव करेगा। तो सर्कुलर लूप का ये फेस नॉर्थ बिहेव कर रहा है और ये वाला फेस साउथ बिहेव कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो फिर अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करना होगा तो ये अगर साउथ पोल है तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो थंब विल गो इनवर्ड, एंड अगर थंब इनवर्ड होगा तो इंड्यूस करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, है ना। अगर ये फेस साउथ है, ये वाला फेस साउथ है ना, तो साउथ के लिए फील्ड इज इनवर्ड, तो थंब विल गो इनवर्ड, तो करंट ऐसे होगा क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट इन अ सर्कुलर लूप इज क्लॉकवाइज, अगर यहां से क्लॉकवाइज है तो यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट हम लोग लूप के राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां से ऑब्जर्व करने से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप इज क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट इन द सर्कुलर लूप इज क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द लूप, ठीक है। अगर इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, बट कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, तो अगर करंट क्लॉकवाइज हो रहा है इसका मतलब प्लेट ए में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, एंड यहां पे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब प्लेट ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड प्लेट बी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेट बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, तो आंसर क्या होगा, एंड ए ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एंड ए बिकम्स निगेटिव बिकॉज ऑफ गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो ये होंगे पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट बी नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज 6.5 पार्ट 2।